हेलो, आई एम यतिन वर्मा और मैं स्काउटिंग में समाज सेवा का कार्य करता हूँ। कोविड-19 के दौरान जब पूरे भारत में लॉकडाउन था, मैं और मेरी टीम हेल्थ एक्सपर्ट्स यानी कि डाइटिशियन, डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मिलकर समाज सेवा का कार्य करते थे। उसी दौरान हमको एक कंपनी का नाम बार बार सुनने को मिला, जिसका नाम है नो योर फूड। इसके बारे में जानने की हमारी जिज्ञासा हुई, मैं और मेरी टीम इसके बारे में ऑनलाइन सर्च किया। सर्च करने पर हमको इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखे, उन्हीं फैक्ट्स को मैं आज आपके आगे रखूँगा, इस कंपनी को एक्सपोज करूँगा ताकि आप अपना करियर, अपने फ्रेंड्स का करियर और अपने रिलेटिव्स का करियर स्पॉइल होने से बचा सकें। नो योर फूड एक गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। इसका मेन मोटिव इंडिया के सभी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट को टारगेट कर उनको इंडिपेंडेंट बनाना है। इसके फाउंडर मिस्टर मोहित बिनानी है, जो कि इंडिया के 3000 डाइटिशियन को ऑन बोर्ड करने का क्लेम करते हैं, बट एक्चुअल में रियलिटी कुछ और ही है। इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करता हूँ, लेकिन जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी उसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे ये बुक एक रीडर के हाथों तक पहुँचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्ड्स। अगर वर्ड्स ना होते तो एक राइटर उसको लिख नहीं पाता, अगर वर्ड्स ना होते तो पब्लिशर उसको पब्लिश नहीं कर पाता, अगर वर्ड्स ना होते तो एक रीडर उसको पढ़ नहीं पाता। जैसे इस बुक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वर्ड्स है, वैसे ही नो योर फूड इंडिया के सभी डाइटिशियन को टारगेट कर उनको बैकएंड सपोर्ट देकर उनके बिजनेस को लॉन्च करना, मैनेज करना और ग्रो करने में हेल्प करता है। सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये कंपनी 3000 डाइटिशियन को ऑनबोर्ड करने का क्लेम करती है, बट एक्चुअल रियलिटी में इनके सोशल मीडिया से ये पता चला है कि इनके साथ 3000 नहीं 4000 डाइटिशियन हैं। और हमारी इंटरनल रिसर्च से ये भी पता चला है कि ये कंपनी इंडिया में ही नहीं आउट ऑफ इंडिया भी डाइटिशियन को टारगेट करती है। लेकिन आउट ऑफ इंडिया से इस कंपनी के साथ कितने डाइटिशियन हैं इसका डाटा अभी क्लियर नहीं हो पाया। थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब पूरे भारत में लॉकडाउन था, पब्लिक बाहर आ जा नहीं सकती थी, घर में बंद थी और इनके अर्निंग सोर्स भी ख़त्म हो गए थे, ऐसे में सभी डाइटिशियंस को भी इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनको भी अपनी ऑफलाइन प्रैक्टिस बंद करनी पड़ी। ऐसे में इस प्लेटफॉर्म ने इनको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी दी। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ये पब्लिक को ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने लगे। फोर्थ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब मैं और मेरी टीम इस कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो हम हेल्थ केयर एक्सपर्ट डाइटिशियन से मिले, उनसे ये जानने की कोशिश की कि वो इस कंपनी को लेकर क्या सोचते हैं, तो हमको अलग अलग रिस्पॉन्स देखने को मिले। मोर देन 90% एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि इस कंपनी को लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। बहुत सौ ने ये भी कहा कि कोविड-19 के दौरान ऐसे प्लेटफॉर्म की सबको ज़रूरत है। उन्होंने ये भी बताया कि जो भी इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा है उसने अपना करियर स्पॉइल होने से बचाया है। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अपने फ्रेंड के साथ रिकमेंड किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सबकी ज़रूरत है। इस कंपनी को लेकर आपके मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, इसके साथ जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए। ऐसे डाउट्स मेरे मन में बहुत थे, पर जब मैं टेक लीडर्स, इंडस्ट्रियल लीडर से मिला तो इस कंपनी को लेकर एक कॉन्फिडेंस आया। मार्केट में जो भी मिथ्स थे या नेगेटिव थॉट्स थे वो मेरे क्लियर हुए। टेक लीडर्स का ये कहना है कि जो भी ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर कंसिस्टेंट रहकर वर्क करेगा वो डेफिनेटली अपने आप को ग्रो होते हुए देखेगा। साथ ही उनका ये भी कहना है कि आने वाले टाइम में आज से ज़्यादा ऑनलाइन इंडस्ट्री ही ग्रो करेगी।